नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता क्या होते हैं। टुडे वी टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर्स, कंपोजर्स एंड डीकंपोजर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि उत्पादक क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक हरा पौधा है। हरा पौधा मिट्टी में गड़ा हुआ है। सूरज की रोशनी में पौधे क्या करते हैं? पौधे सूरज की रोशनी में मिट्टी से अकार्बनिक यौगिक, जैसे कि जल हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, इन सब को लेते हैं और यहाँ से सूरज की रोशनी लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए ये अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। और वो प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, या फिर कहें तो जो कार्बनिक यौगिक होता है, उसका मेन काम होता है ऊर्जा प्रदान करना। और 100% ऊर्जा इस पौधे के अंदर स्थिर होती है और इसी को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। यानी हरे पौधे जो होते हैं, हम उनको प्रोड्यूसर कहते हैं, जो भोजन का उत्पादन करते हैं या जो यौगिक को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करते हैं, यानी अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। सूरज की रोशनी में तथा अकार्बनिक यौगिकों जैसे जल, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट आदि से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा से वे कार्बनिक यौगिक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा को तैयार करते हैं। इस रासायनिक ऊर्जा को उत्पादक अपने अंदर संग्रह किए रहता है। ठीक है, ये जितनी एनर्जी होती है, अगर ये 100% अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये 100% एनर्जी इनके अंदर स्टोर रहता है और बाद में इस एनर्जी का यूज किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। तो देखिए, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होता है। जैसे कि हम आपको ये भी एग्जाम्पल से बताते हैं, ये हमारे पेड़ पौधे क्या हो गए? ये हमारे प्रोड्यूसर हो गए। इस प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? इस प्रोड्यूसर को यही कंज्यूमर लोग खाएंगे। ठीक है ना? और चार तरीके के कंज्यूमर होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कंज्यूमर यानी उपभोक्ता जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ उपभोक्ता। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वार्टरनरी कंज्यूमर। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है, इसको सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा खाया जाता है। जैसे कि कैटरपिलर का आप एग्जांपल ले लीजिए। कैटरपिलर क्या करेगा? इनकी पत्तियों को खाएगा और इससे जो ऊर्जा है वो अपने अंदर समाहित करेगा, अपने अंदर ले लेगा। अब देखिए, एनर्जी का क्या होता है ना कि यहाँ पे मान लीजिए कि 100% एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा धीरे धीरे हर एक स्टेज में कम होती जाती है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर अपने भोजन के लिए सीधे उत्पादक पे निर्भर होते हैं, सीधे प्रोड्यूसर पे निर्भर होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आ जाता है? जैसे कि आप फ्रॉग को ले लीजिए, मेंढक जो होता है वो कैटरपिलर को खाता है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब इस सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने के लिए टर्शियरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता क्या करेगा? तृतीयक उपभोक्ता अपने भोजन के लिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो द्वितीयक उपभोक्ता है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। यानी ये सांप क्या है? इस मेंढक को खाएगा। अब इस सांप को खाने वाला कौन होगा? तो ये चतुर्थ उपभोक्ता होता है। चतुर्थ उपभोक्ता क्या करता है कि अपने भोजन के लिए तृतीयक उपभोक्ता पे निर्भर रहता है। ठीक है, यानी ये जो ईगल है ये इस सांप को खाएगा। अब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई इसको खाने वाला नहीं होता। अब इनका क्या होता है कि इनके मरने के बाद इनका डीकम्पोजिशन होता है। ठीक है, इनका डीकम्पोजिशन कौन करता है? तो डीकम्पोजन करते हैं, अपघटनकर्ता करते हैं। मान लीजिए कि ये मर गया, ये मर के क्या होगा कि मिट्टी में गिरेगा और मिट्टी में क्या होते हैं? डीकम्पोजर होते हैं। डीकम्पोजर का काम क्या होता है? ये वे जीव होते हैं जो मृत जीवों को खाते हैं। यानी ये चील मर गया, ठीक है, ये चील मर गया और मिट्टी में गिर गया। मिट्टी में क्या होता है? डीकम्पोजर होते हैं जो इनकी लाश को सड़ाने का काम करते हैं। यानी ये क्या करेंगे? पुनः से जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं उनको अकार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट करते हैं। और जो अपघटनकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं? वापस से कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट करते हैं। और फिर से क्या होता है कि ये अकार्बनिक यौगिक जो है इन पौधों को मिल जाता है और फिर से पुनः पौधे जो होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं। इन अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा भोजन तैयार करने हेतु किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे कवक जीवाणु हो गए या फिर केचुआ हो गया, चींटी हो गई, तो ये सभी डीकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।